Hello everyone, welcome to my channel Everything with Wills and welcome to another video. आज हम आए हैं राशिद सी फूड और राशिद सी फूड में एज यूजुअल जितनी रश होती है आमतौर पर वो रश अभी नज़र नहीं आ रही, मतलब लोगों का हजूम उतना नहीं है, बस लिमिटेड लोग हैं। हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये जी राशिद फूड सी फूड का मेन काउंटर है। आपने यहाँ पे आके जो फिश जितनी खानी है, ग्रिल करवानी है, क्राउन्स हैं, जो चीज़ खाना है यहाँ पे आपने ऑर्डर देना होता है और ये आपका ऑर्डर जो है वो प्राइस पकाने के साथ बताते हैं कि पकाई के साथ कितना प्राइस आपका होगा। और इनका ये फैमिली हॉल भी है और बाहर बैठकर लोग इस तरह खा रहे होते हैं। और इसके बिल्कुल ही सामने जो है वो है केमाड़ी सी फूड, और केमाड़ी सी फूड कंपैरेटिवली बैठने के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, और जबकि फूड के कंपैरिजन भी अगर हम कहें तो हमने राशिद सी फूड में भी कई मरतबा फ़िश खाई है, प्राउन्स खाए, कढ़ाई खाई है, और केमाड़ी सी फूड पे भी हमें कंपैरेटिवली केमाड़ी सी फूड बहुत अच्छा लगा है। टेस्ट में भी और प्राइस में बहुत फ़र्क है। जैसे हमने अभी राशिद सी फूड से हमने दंदिया का मुश्का का पकाने के साथ जो रेट लिया वो 1600 पर केजी पकाने के साथ, और प्राउन्स का इन्होंने भी प्राउन्स का भी 1600 पकाने के साथ। यही हमने केमाड़ी सी फूड से जो है वो जाके रेट लिया। केमाड़ी सी फूड का ये काउंटर है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो ब्लर हो गया आप, ये इससे हमने जाके ऑर्डर लिया। तो इनका ऑर्डर कंपैरेटिवली इनके रेट्स उनसे बहुत कम है, और मतलब जो वो आपको 1600 में 1800 में दे रहे हैं वो इनके पास 1200 रुपये में रेट आ रहा है। तो इनका कंपैरेटिवली रेट भी बहुत अच्छा है केमाड़ी वालों का और प्राइस भी बहुत अच्छा है। आइए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये है जी केमाड़ी सी फूड, इसके बारे में बात कर रहा था कि कंपैरेटिवली ये उससे बहुत अच्छा है केमाड़ी सी फूड। किस हिसाब से अच्छा है जी? ये अगर आपको मैं कहूँ कि पैसों के हिसाब से तो पैसों के हिसाब से भी अच्छा है, और अगर आपको मैं कहूँ कि टेस्ट के हिसाब से तो टेस्ट के हिसाब से भी उनसे काफ़ी अच्छा है। मतलब टेस्ट भी इनका हमने यहाँ से खाया बहुत मरतबा, टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है, और पैसों का बहुत बड़ा ब्रैकेट है। अगर पैसों की बात करें तो पैसों के हिसाब से राशिद सी फूड बहुत महंगा है, और ये कंपैरेटिवली सस्ता है। ये हम आपको दिखाते हैं। ये है जी कुंद, दलिया, मुश्का और ये प्राउन्स हैं। प्राउन्स कितने बताए थे आपने? क्या साहब 1200 बारबेक्यू है, 1400 कढ़ाई है प्राउन की, और ये मुश्का क्या बताया? पकाने के साथ 1100 ज़बरदस्त। और ये इसके साथ क्या है? दंदिया है, दंदिया है, ये दलिया फिश है, ठीक है। ये भी टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। इसका क्या बताया आपने पकाने के साथ? दंदिया आपको 900 रुपए किलो मिलेगा पकाने के साथ। ये ब्लैक पापलेट है, ये क्या है पकाने के साथ? 1200 रुपए किलो, ठीक है। मुल्ला फिश, मुल्ला भी कहते हैं, शेरी भी कहते हैं। इसका क्या है आपने बताया? मुल्ला 1100 रेट है, 1100 है पकवाई के साथ, जबरदस्त। ये दोथर है, दोथर टेस्ट में सुना है बहुत ज्यादा अच्छी होती है, अच्छी होती है, अच्छी टेस्ट, और इसकी ग्रिल भी ज्यादा अच्छी बनती है, बड़े दाने, ग्रिल फ्राई दोनों में अच्छी बनती है। और इसका क्या रेट है? 1300। ये महंगी होती है मैंने सुना, 1500 पकाई के साथ, 1500 ले रहे हैं। फिर भी महंगी ये सुरमई है, सुरमई है। ये क्या चल रही है पकाई के साथ? इस वक्त 1600, ये पकाई के साथ 1600। लेकिन आपके रेट कंपैरेटिवली वहाँ से हमने देखे हैं उसके बहुत बहुत कम है, यानी हमने वहाँ से जो चीज़ 1600-1800 रुपये देखी है वो यहाँ पे हमें 1100-1200 रुपये मिल रही है। ये इसकी खास वजह क्या? उनका नाम, उन्होंने नाम की वजह से बहुत रेट रखे हैं। बस वो असल में मामला ये होते हैं, जितना बड़ा सेटअप होता है उतने अखराजात, फिर वो पार्टनरशिप वाले मामला होते हैं तो भी वो परसेंटेज रखना पड़ता है, तो हर बंदे का अपने हिसाब से सेटअप होता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, यहाँ से हमने बहुत मरतबा ग्रुप्स आया हमारे टीचर्स का, हमने बैठ कर खाया, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और रेट भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं, अफोर्डेबल है माशाल्लाह। अल्लाह पाक बरकत है आपके कारोबार में, बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। देखिए जी इनका फ्रेश प्राउन है, फ्रेश इनकी फिश है, फ्रेश फिश है, हर किस्म की फिश इनके पास अवेलेबल है, और ग्रिल व्रिल जो आपने कराना है सब कुछ मिल जाता है, ठीक है जी। तो मैं जो यहाँ पे आने वाले हैं उनको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आते हैं तो आप केमाड़ी सी फूड ट्राई करें, पैसों में भी बहुत अच्छा है और कंपैरेटिवली रेट्स में भी बहुत अच्छा है। इंजॉय करें, हम हमारा फूड आने वाला हम उसको इंजॉय करते हैं। ये जी ब्राउन ब्राउन ब्राउन
ये जी हमारा ऑर्डर आ गया, हमने इसको क्लेम करवाया है और एक कागज को हटाए और मुंशी साहब इसको हटाइएगा, एक मिनट पूरी को हटाइएगा, रेड को। वाह जादू, इसके नीचे भी यही कैसा, उसके नीचे भी यही, वाह हमने लेयर्स पे लेयर लगाए मछलियों के लेयर्स, लेयर्स बाकी टेबल के नीचे, बाकी टेबल के नीचे हमारे जो है फिश तो आ गई है ग्रिल होके और अब हमारे जो ब्राउन्स हमने कढ़ाई बनाने के लिए दिए उसका वेट कर रहे हैं, वो आ जाए तो हम स्टार्ट करते हैं।